पहले रखो अपने शरीर का ध्यान, फिर करो और सारे काम, क्योंकि शास्त्रों में कहा गया है पहला सुख निरोगी काया। नमस्कार, मैं हूँ विजय त्रिवेदी और आपने देखना शुरू कर दिया हमारा खास शो सत्य की विजय, यानी सिर्फ सच, या ना किसी का एजेंडा है और ना ही हो हल्ला। 100% रिसर्च के आधार पर हम सिर्फ सच दिखाते हैं। तो डेवलप्ड कंट्री बनना है तो आवश्यक है कि देश स्वस्थ रहे। स्वस्थ नागरिक स्वस्थ समाज का निर्माण कर सकता है और स्वस्थ समाज ही समृद्ध राष्ट्र का निर्माण कर सकता है। दुनिया भर में आज वर्ल्ड हेल्थ डे मनाया जा रहा है, लेकिन इस मौके पर एक बार फिर कोरोना का डर सताने लगा है। पिछले एक महीने में कोरोना के मामले तेजी से बढ़े हैं। जनवरी फरवरी में कोरोना का केस काबू में थे, लेकिन मार्च जाते जाते कोरोना ने काफी तेज रफ्तार पकड़ ली। हालात ये है कि 7 महीने बाद कोरोना के डेली केस 6000 पार पहुंच चुके हैं। पिछले 24 घंटे में देश में 6050 नए मामले आए हैं, जबकि 14 लोगों की मौत हुई। सरकार भी अब इसे लेकर अलर्ट मोड में आ गई है। स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने आज सभी राज्यों के स्वास्थ्य मंत्रियों के साथ समीक्षा बैठक की। बैठक के बाद स्वास्थ्य मंत्री ने क्या कुछ कहा, इसको देखते हैं, फिर चर्चा करेंगे। कोरोना पर अपडेट यह है कि कोरोना को लेकर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने एक समीक्षा बैठक आज की थी, जिसमें राज्यों के जो मुख्यमंत्री हैं राज्यों को, और उसमें राज्यों को 10 और 11 अप्रैल को मॉक ड्रिल करने को कहा है कि कोरोना की तैयारियां क्या है, इस बारे में एक मॉक ड्रिल की जाए। राज्यों से कहा गया है कि टेस्टिंग और जीनोम सीक्वेंसिंग पर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि उससे पता पड़ता है कि किस तरह के वायरस हैं। इसको लेकर चर्चा की। स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि हमें सतर्क रहना है लेकिन डर नहीं फैलाना है। ये महत्वपूर्ण बात है, टेस्टिंग और टीकाकरण पर जोर है, मास्क अभी ज़रूरी नहीं है, ये स्वास्थ्य मंत्री जी ने कहा। हालांकि इस बार के बजट में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने हेल्थ सेक्टर पर काफ़ी जोर दिया। हेल्थ सेक्टर से जुड़ी कई बड़ी योजनाएं सरकार ने सामने रखी। वित्त मंत्री ने बताया कि स्किल सेल एनीमिया को साल 2047 तक खत्म करने का टारगेट रखा गया है। निर्मला सीतारमण ने कहा कि देश में 157 नए नर्सिंग कॉलेज बनाए जाएंगे और ICMR में पब्लिक और प्राइवेट मेडिकल रिसर्च को बढ़ावा दिया जाएगा। साथ ही हेल्थ सेक्टर के लिए बजट में करीब 13% की बढ़ोतरी की। पिछले साल के मुकाबले बजट में कितनी बढ़ोतरी हुई, ये आपको बताते हैं। केंद्रीय बजट 2023-24 में स्वास्थ्य क्षेत्र के लिए 89,155 करोड़ रुपए रुपये रखे गए। 2022-23 में आवंटित की गई राशि की तुलना में ये लगभग 13% ज़्यादा है। आयुष मंत्रालय के लिए बजट बढ़ाकर 2,845 करोड़ से 3,647 करोड़ कर दिया गया है। इसको बढ़ाया गया 2,980 करोड़ रुपये स्वास्थ्य अनुसंधान विभाग को आवंटित किए गए, यानी रिसर्च के लिए दिए गए हैं। हेल्थ सेक्टर में बजट में भले ही बढ़ोतरी हुई हो, लेकिन ये बढ़ोतरी भी इतने बड़े देश के लिए काफ़ी नहीं लगती। हम क्यों कह रहे हैं ये, इसको एक बार समझ लेंगे तो बात आगे बढ़ पाएगी कि आखिर स्वास्थ्य खर्च के मामले में हम अभी कितना पीछे हैं। अमेरिका को देखें तो वहाँ पर बजट का 18.3% खर्च किया जाता है हेल्थ सेक्टर पर। ब्रिटेन में ये 9.9% है, 9% है। चाइना में, चीन में 7.1% है। रूस में 5.1% है और भारत की स्थिति आप देख लीजिए, 2.1% हम लोग खर्च कर रहे हैं। लेकिन एक और बड़ी खबर है राजस्थान से। राजस्थान देश का पहला राज्य बन गया है जहां प्रदेश के प्रत्येक नागरिक को स्वास्थ्य का अधिकार मिला। अब राज्य के 8 करोड़ से ज़्यादा लोगों को सरकारी और निजी अस्पतालों में स्वास्थ्य का कानूनी अधिकार मिल गया है, राइट टू हेल्थ। ये कानून लागू होने से स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र में पारदर्शिता आने के साथ साथ अस्पतालों की जवाबदेही भी तय हो जाएगी। आखिर क्या है राइट टू हेल्थ, इसको समझ लेते हैं। इसमें अशोक गहलोत राजस्थान के मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने ये राइट टू हेल्थ को शुरू किया है। इसमें हर व्यक्ति को इलाज की गारंटी दी गई है, पैसों की कमी के कारण किसी की जान नहीं जाएगी। ये ना कह सकते कि भाई पैसा नहीं है, तुम पैसों की वजह से कोई भी अस्पताल इलाज से मना नहीं करेगा। ये एक महत्वपूर्ण मसला है उसमें, राइट टू हेल्थ में। इमरजेंसी में भी निजी अस्पताल फ्री में इलाज करेंगे। अक्सर होता है कि इलाज के लिए प्राइवेट हॉस्पिटल पहले पैसा जमा करते हैं। सड़क दुर्घटना में
घायल होने वालों को फ्री ट्रांसपोर्ट, फ्री इलाज और बीमा मिलेगा, ये इसका खास बात है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने वर्ल्ड हेल्थ डे पर पूरी दुनिया के लोगों को स्वस्थ रहने की कामना की और क्या कुछ कहा ये सुन लेते हैं, फिर चर्चा शुरू करते हैं। वसुधैव कुटुंबकम की धारणा हमारी विरासत है। हिंदुस्तान देश हेल्थ सेक्टर में विश्व के लिए अपना दायित्व अदा कर रहा है। हम सब लोगों ने देखा जब कोविड क्राइसिस चल रही थी उस वक्त विश्व के पास मेडिसिन नहीं थी, विश्व के पास वैक्सीन नहीं था। उस वक्त मोदी जी ने 150 से अधिक देशों में मेडिसिन उपलब्ध कराई, 80 से अधिक देशों को वैक्सीन उपलब्ध कराई और विश्व के प्रति अपना दायित्व अदा किया। देश को डेवलप्ड कंट्री बनना है तो आवश्यक है कि देश स्वस्थ रहे। स्वस्थ नागरिक स्वस्थ समाज का निर्माण कर सकता है और स्वस्थ समाज ही समृद्ध राष्ट्र का निर्माण कर सकता है। एक तरफ 3 साल बाद भी विश्व कोरोना जैसी महामारी से लड़ रहा है, वहीं दूसरी तरफ आज विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जा रहा है और इसका थीम है हेल्थ फॉर ऑल। लेकिन कोरोना जैसी महामारी के बाद लोगों को कुछ ऐसे साइड इफेक्ट से गुजरना पड़ा जिसको लेकर आज भी लोग चिंतित हैं। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या स्वस्थ रहना आज सबसे बड़ी चुनौती बन गई है? क्यों आज भी बेहतर इलाज आम आदमी की पहुँच से दूर है और क्या हेल्थ इंश्योरेंस योजनाएं प्राइवेट कंपनियों को फायदा पहुंचाने भर के लिए हैं? आज इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ जुड़ रहे हैं खास मेहमान अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान के डीन डॉक्टर महेश व्यास साहब, प्रोफेसर डॉक्टर महेश साहब हमारे साथ जुड़ रहे हैं। LNJP हॉस्पिटल के निदेशक डॉक्टर सुरेश कुमार साहब हमारे साथ होंगे। योगा इंस्ट्रक्टर मानसी गुलाटी और मोटिवेशनल स्पीकर PS राठौर साहब भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। डॉक्टर व्यास, आपसे समझना चाहता हूं कि किस तरह की स्थिति है हमारी, कि हम स्वस्थ रहने के लिए जो चुनौतियां झेल रहे हैं उससे कैसे निपटा जा सकता है? जी, जैसा कि आज पूरा विश्व जो है जी, वो विश्व स्वास्थ्य दिवस मना रहा है जी, और इसका मेन स्लोगन है हेल्थ फॉर ऑल जी, और आयुर्वेद और भारतीय संस्कृति दोनों ही कहते हैं कि सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। मैंने सभी व्यक्ति सुखी रहें, सभी व्याधि रहित रहें जी, और सभी के सुखी रहने के लिए और व्याधि रहित रहने के लिए आयुर्वेद में दो प्रकार की व्यवस्था बताई है। एक तो व्यक्ति स्वस्थ बना रहे मैंने उसको कोई व्याधि हो ही नहीं, और अगर व्याधि हो गई है तो उसके लिए चिकित्सा बताई गई है। तो इसलिए आयुर्वेद के जो नियम हैं जिनको हम दिनचर्या, ऋतुचर्या, रात्रिचर्या, स्वस्थ व्रत, सदव्रत, इनका अगर हम पालन करते हैं तो हम स्वस्थ रहते हैं, और अगर इनका पालन नहीं करते हुए किसी कारणवश अगर कोई व्याधि हो जाती है, कोई डिजीज़ हो जाती है, व्यक्ति अगर बीमार हो जाता है तो उसके लिए चिकित्सा की व्यवस्था बताई है। तो पहले तो हम नियमों का पालन करें तो हम स्वस्थ रहेंगे। तो आयुर्वेद स्वस्थ व्यक्ति स्वस्थ बना रहे इस पर ज़्यादा जोर देता है, उसके बाद में चिकित्सा व्यवस्था का निर्देश करता है। जी, आपने बहुत महत्वपूर्ण बात कही कि नियम जो बने हुए हैं उनको फॉलो करें और स्वस्थ आदमी स्वस्थ बना रहे। हमारे साथ मोटिवेशनल स्पीकर PS राठौर साहब जुड़े हुए हैं। राठौर साहब, मोटिवेशन देश भर को, दुनिया भर को देते रहते हैं। राठौर साहब, मोटिवेशन में सबसे जो पिछला जो कमज़ोर सेक्टर है ना, वो हमारा वो हेल्थ है। आप कहें कि नौकरी के लिए ये करना है तो हम कर लेंगे, आप कहें नेता बनना है तो ये कर लेंगे, इंडस्ट्री में काम करना है तो हो जाएगा, लेकिन हेल्थ की बात आती है तो हम हर साल नए साल पर एक कोई रेजोल्यूशन पास करते हैं, कुछ करते हैं, और जैसे डॉक्टर साहब व्यास साहब ने भी कहा कि हम नियमों को फॉलो करने के अलावा सब कुछ करना चाहते हैं, बस लगता है कि डॉक्टर महेश व्यास साहब का दर्शन हो जाए अब स्वस्थ रहना ही चाहिए। तो आप कैसा मोटिवेशन देना चाहते हैं कि भाई हम लोग थोड़ा सा कुछ कर लें?
विजय जी, मैं हमेशा एक बात कहता हूँ कि जब तक इनसाइड आउट जर्नी नहीं होगा कुछ नहीं होगा जी। और जैसे आपने प्रोग्राम का नाम रखा है पहला सुख निरोगी काया जी, मैं अपने मोटिवेशनल प्रोग्राम में भी बात पूछता हूँ कि आप बहुत धनवान हैं, आप बहुत रूपरेखा में बहुत अच्छे हैं, दुनिया आप पे मरती है लेकिन शरीर में ताकत नहीं है तो क्या करोगे। तो ये जो ताकत है इस पे काम करना पड़ेगा। और अगर आप फॉलो कर सकें तो एक छोटा सा टिप्स आपके साथ शेयर करता हूँ जी। पंचभूतम की शक्ति अपने शरीर में जगाइए, सुबह उठने के बाद राइट पाम से लेफ्ट पाम को आप रब कीजिए, और ये जब इसमें से गर्मी आए तो आँखों पे रखिए, और उसके बाद पूरे के पूरे 1 लीटर पानी पीजिए, पूरे मुंह में भरने के बाद एक एक करके नीचे लेके जाइए, जब वो रूट चक्रा को टच करे तो महसूस कीजिए, और आप देखेंगे कि आप शरीर रूप से स्वस्थ रहेंगे, मानसिक रूप से भी आप स्वस्थ रहेंगे, और एक सदाचार और एक अच्छा थॉट, अच्छे विचार और अच्छे जो इंटेलिजेंस होता है एक स्वच्छ शरीर में होता है। तो अगर आप ये प्रोग्राम देख रहे हैं, विजय जी के थ्रू मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आपने अपने बच्चों में भी आदत डालिए, सुबह सुबह 1 लीटर पूरा पानी पीने की आदत डालिए, और देखिए कि क्या आपका स्वास्थ्य होता है, क्या एनर्जी होता है। शिव भी ये बात कहते हैं, उद्यमी भैरव, जिसके पास उद्यम है वही भैरव है, एनर्जी से ऊपर कुछ भी नहीं है सर जी, इसको जरूर। एनर्जी सबसे महत्वपूर्ण है। प्रोफेसर व्यास, एक बात समझना चाहता हूँ कि हिंदुस्तान में सबसे पुरानी चिकित्सा पद्धतियों में है आयुर्वेद, जो हमारी एक कहना चाहिए हमारी रीति नीति जीवनचर्या के साथ जुड़ी हुई है, लेकिन फिर भी हमने पिछले 150 साल में आयुर्वेद को पीछे छोड़ दिया और हम एलोपैथी पर और तमाम चीज़ों पर आए हैं। एक तो वो व्यवस्था महंगी है, दूसरा सबके बस का नहीं है, तीसरी उसकी उपलब्धता कम है, फिर भी हम उसी के पीछे हैं, इसकी क्या वजह है, क्यों हमने आयुर्वेद को छोड़ा, इसकी कमजोरी क्या है, जो लोग उसमें जुड़े हुए थे उनकी वजह से या कोई और कारण आप समझते हैं? देखिए, मेन अगर कहा जाए तो आयुर्वेद चिकित्सा और जितने चिकित्सालय होना चाहिए जी, जितनी डिस्पेंसरीज होना चाहिए, गांवों तक जो आयुर्वेद पहुंचना चाहिए, कहीं ना कहीं वो थोड़ा कम मात्रा में पहुंचा। लेकिन अभी अगर अपन देखें तो जैसा कि अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान की स्थापना नई दिल्ली में हुई जी, उसी प्रकार से 2022 दिसंबर में अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान जो है वो गोवा में प्रारंभ किया गया, और गुजरात आयुर्वेद विश्वविद्यालय जामनगर या जामनगर में इंस्टीट्यूट ऑफ नेशनल इम्पॉर्टेंस के रूप में स्थापित किया गया, NIA जयपुर जो है डिम्ड यूनिवर्सिटी के रूप में। तो अभी देखा जाए तो आयुर्वेद अभी काफ़ी प्रचारित और प्रसारित हो रहा है। तो अगर आयुर्वेद की व्यवस्था उपलब्ध होगी, कोई भी व्यक्ति जो चाहता है वो चाहता है स्वस्थ होना जी, उसको किसी भी पैथी पे अगर पैथी से उसको अगर स्वास्थ्य का लाभ मिलता है तो वो जरूर लेगा। तो अगर आयुर्वेद भी जन जन तक पहुँचेगा, हर घर तक पहुंचेगा, हर गांव तक पहुंचेगा, तो प्रत्येक व्यक्ति आयुर्वेद से लाभ लेगा। और मैं आयुष मंत्रालय को विशेष रूप से उनका आभार मानना चाहूँगा कि इस बार जो आयुर्वेद दिवस मनाया था उसका उन्होंने स्लोगन रखा था, हर दिन हर घर आयुर्वेद। माने हमको किसी एक दिन केवल आयुर्वेद का पालन नहीं करना है, हमको हमेशा प्रकृति के नियमों को पालन करना है, आयुर्वेद का पालन करना है, और तब हम स्वस्थ रहेंगे। तो अभी आयुर्वेद डे के टाइम पे मिनिस्ट्री ऑफ आयुष के प्रयास से 1,47,00,000 लोगों तक केवल आयुर्वेद दिवस के उस उपलक्ष में मिनिस्ट्री ऑफ आयुष पहुंची थी, और कई मंत्रालयों ने इसमें भाग लिया था। तो इस प्रकार से अगर हम सभी जगह तक आयुर्वेद को अगर पहुंचाएंगे तो व्यक्ति निश्चित रूप से स्वास्थ्य लाभ के लिए आयुर्वेद का लाभ लेगा। उनके लिए कोई भी पैथी ऐसा नहीं है कि मेरे को केवल एलोपैथी से ट्रीटमेंट करवाना है या होम्योपैथी से करवाना है या यूनानी चिकित्सा से करवाना या आयुर्वेद से करवाना, हर एक व्यक्ति का उद्देश्य रहता है स्वस्थ होना जी। तो हम अगर ये पैथी को भी सब तक पहुँचाएंगे तो व्यक्ति निश्चित रूप से विश्व की प्राचीनतम चिकित्सा पद्धति का अधिक से अधिक लाभ लेगा जी। हमारे साथ डॉक्टर सुरेश कुमार साहब भी जुड़ गए हैं, LNGP के हॉस्पिटल के डायरेक्टर भी हैं। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है। हिंदुस्तान का आम आदमी जो है उसका इलाज तो सरकारी अस्पतालों में, सरकारी व्यवस्थाओं में ही हो सकता है, लेकिन आजकल तो घबराहट होती है सर वहाँ तक जाने की। जो छोटा से छोटा आदमी है वो सोचता है कि प्राइवेट हॉस्पिटल में चला जाऊँ, डॉक्टर साहब बाहर ही देख लें, ये सब हो जाए। और उसके लिए अब आपने, मतलब सरकार ने एक और व्यवस्था कर दी कि इंश्योरेंस कर दिया कि ठीक है, डॉक्टर साहब के हॉस्पिटल में नहीं हो रहा था, तुम प्राइवेट में चले जाना, इलाज हो जाएगा। ये व्यवस्था को आप कैसे देख रहे हैं? सबसे पहले तो 7 अप्रैल को हम वर्ल्ड
हेल्थ डे मनाते हैं, वर्ल्ड हेल्थ दिवस के उपलक्ष्य में आप सभी को बहुत बहुत बधाई जी। और एक बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा आपने उठाया है, स्वास्थ्य सेवाएं जो भारतवर्ष में है, जो सरकारी क्षेत्र में है, जो गवर्नमेंट सेक्टर में है जी। सबसे पहले हमें ये समझना पड़ेगा कि हमारा जो आबादी का साइज है, पॉपुलेशन का साइज है, 140 करोड़ लोगों का जो हेल्थ सिस्टम है, क्या वो पर्याप्त है जी? क्या हमारा हेल्थ पर स्पेंडिंग जो है 2-3% GDP का है, जबकि हम देखें जापान का या अमेरिका का या यूरोपियन देश का, वहां पे 10 से 16% तक लोग जो हेल्थ पर स्पेंड करते हैं। सो वी हैव लिमिटेड रिसोर्सेज अवेलेबल फॉर हेल्थ, बहुत कम डॉक्टर हैं, डॉक्टर और पॉपुलेशन का आप अनुपात देखें तो वो बहुत कम है। हमारे पास लाखों डॉक्टरों की कमी है, लाखों नर्सों की कमी है, पैरामेडिक्स का कमी है जी। अब गवर्नमेंट सेक्टर में काफी सारी हम देखिए कि वैकेंसीज खाली हैं जी। यदि मान लीजिए 1000 पद हैं तो उसमें से 500-600 ही पद भरे हुए होते हैं, काफी सारी वैकेंसीज इंतजार करती है कि कब नए डॉक्टर ज्वाइन करेंगे जी। इसका महत्वपूर्ण कारण यह है कि जब से कॉरपोरेट सेक्टर आया है, कॉर्पोरेट हॉस्पिटल्स आए हैं, वहां पे डॉक्टर्स का सैलरी 2-3 गुना ज्यादा है और गवर्नमेंट सेक्टर में सैलरी कम है जी, बिल्कुल ठीक। सो ज्यादा से ज्यादा जो लोग हम मेडिकल कॉलेज में अब ट्रेन करते हैं, जैसे हम दिल्ली यूनिवर्सिटी की बात करें, मौलाना आजाद मेडिकल कॉलेज, लोकनायक और पंत में, तो हमारे जो स्टूडेंट्स हैं जो पास आउट होते हैं, दे आर नॉट इंक्लाइन टुवर्ड्स द गवर्नमेंट जॉब, दे आर डायरेक्टली ज्वाइनिंग द कॉर्पोरेट हॉस्पिटल्स। और क्योंकि अब इंश्योरेंस सेक्टर काफी तेजी से ग्रोथ हो रहा है और काफी सारा मार्केट फोर्सेज है, तो लोगों को अपना जो सिक्योरिटी है सर्विस को लेकर के, कि कुछ लोग जो क्वालिफाइड है सुपर स्पेशलिटी का, जैसे कि आप कॉर्पोरेट में देखेंगे तो 5 गुना तक ज्यादा सैलरी है। सो गवर्नमेंट सेक्टर्स जिस हिसाब से ग्रोथ होना चाहिए वो कम हुआ है, पॉपुलेशन तेजी से बढ़ा है और पॉपुलेशन के हिसाब से हेल्थ सर्विसेज निश्चित रूप से कम है। और इसी कारण है कि आपको 100 बिस्तर चाहिए आईसीयू के और आपके पास डिमांड जो पेशेंट्स का डिमांड है वो थाउजेंड्स में, सो अवेलेबल आईसीयू बेड्स 100 हैं। डॉक्टर साहब एक पॉजिटिव बात जो मुझे जो समझ में आती है, डॉक्टर साहब एक पॉजिटिव बात जो मुझे समझ में आती है, आज भी आम हिंदुस्तानी का भरोसा जो है ना सरकारी डॉक्टरों में ज्यादा है और बहुत सारे लोग जो प्राइवेट हॉस्पिटल्स में जा रहे हैं, मैं इसको वो नहीं कह रहा, लेकिन बहुत सारे लोगों को लगता है कि वहां क्या होगा, कोई बीमारी का इलाज हो तो जाएगा ठीक, लेकिन उसी बीमारी का होगा और क्या जरूरत है उतना इलाज होगा, और पैसे का हिसाब तो आप प्रभु जानते ही हैं। देखिए हर एक सेक्टर के अब अपने प्लस पॉइंट हैं, नेगेटिव पॉइंट्स हैं। अभी यदि आप कॉर्पोरेट हॉस्पिटल में जाएंगे तो वहां पे आपको काफी सारे जो टेस्ट हैं, बैटरी ऑफ इन्वेस्टिगेशन है, बैटरी ऑफ टेस्ट वो पूरा कराते हैं, क्लिनिकल साइंस वो कम यूज करते हैं। गवर्नमेंट सेक्टर में क्योंकि संसाधन सीमित हैं और डॉक्टर अपनी एक्सपीरियंस के बेस पे, अपने अनुभव के बेस पे, क्योंकि हजारों पेशेंट्स वो देखते हैं पर वीक, तो वो डायग्नोस करते हैं, जैसे कि बुखार के 100 कारण होते हैं पर हमें पता है कि मलेरिया है या ये डेंगू है या ये कोविड वायरस है, और यदि आपने बुखार में ही सीटी स्कैन करा दिया, MRI करा दिया तो आपने उसका बिल बना दिया ₹1,00,000 और बुखार ठीक हो जाता है। आजकल बुखार महंगे हो गए बुखार से, हर एक सेक्टर के अपने अपने। देखिए काफी सारा जो हमारे यहाँ पे एक तो रेगुलेटरी बॉडीज जो नहीं है कि भाई हर एक सेक्टर को जो रेगुलेशन कर सके, जैसे ड्रग्स का ओवर प्राइसिंग है, अब जो सरकार ने बहुत अच्छा कदम उठाया है कि जो भी अमृत फार्मेसी है वहां पे आपको जेनरिक मेडिसिन मिलती है, सब्सिडाइज मेडिसिन मिलती है, और कुछ लोग सोचते हैं कि ये जो सस्ती मेडिसिन होती है अच्छी नहीं होती, ये कुछ लोगों में गलत धारणा है कि जो ब्रांडेड मेडिसिन है वही अच्छी होंगी, ऐसा नहीं है, पर क्योंकि कुछ फार्मा कंपनियों के द्वारा एक दुष्प्रचार किया गया है कि जो ब्रांडेड होती है महंगी होती है वो अच्छी होती है, ऐसे ही जो महंगा डॉक्टर होगा वो सबसे अच्छा होगा ऐसा नहीं है, कि जिसका फीस ज्यादा होगा वो बहुत बड़ा डॉक्टर होगा ऐसा नहीं है। इसलिए गवर्नमेंट सेक्टर में जो डॉक्टर हैं वो बहुत ईमानदारी से काम करते हैं, बहुत अच्छा काम करते हैं और अपने अनुभव के आधार पर काम करते हैं, क्योंकि उसमें कोई इंसेंटिव नहीं है या कोई पैसे का वो नहीं है, इसलिए उनको ज्यादा लोग उन पर विश्वास करते हैं। कॉर्पोरेट में क्योंकि थोड़ा सा रेगुलेशन का कमी है तो उस पर यूनिफॉर्म हेल्थ पॉलिसी थ्रू आउट इंडिया एक होना चाहिए, कि आप जाएंगे कि बिहार में कुछ पॉलिसी है, राजस्थान में कुछ पॉलिसी है, यूपी में कुछ है,
दिल्ली में कुछ है, सो यूनिफॉर्म जो प्राइवेट सेक्टर को रेगुलेट करने की पॉलिसी होना चाहिए। जी, ये बहुत अच्छी बात आपने की। राठौर साहब जी, सर आप मोटिवेशनल स्पीकर तो हैं, लेकिन मुझे लगता है कि आपके जो फोकस पॉइंट्स है ना वो ठीक नहीं है। आप उन डॉक्टर्स को फोकस कीजिए, मोटिवेशन कीजिए, भैया इतना सरकारी पैसे से खर्च होकर डॉक्टर बने तो सरकार की आम जनता की सेवा करें, वहाँ आप कर नहीं रहे। जो बड़ी फार्मा कंपनियाँ उनको मोटिवेट नहीं करते कि कुछ देश के लिए भी कर दें, 10 रुपये की दवा को 150 रुपये में बेचने की बजाय, आपको नहीं लगता कि मोटिवेशनल स्पीकर को कुछ और क्षेत्रों में मोटिवेशन करना चाहिए? अविजय सर, थैंक यू सो मच ये आइडिया देने के लिए। ये दिल से मेरी लालसा है कि कुछ किया जाए कि डॉक्टर भी गवर्नमेंट सेक्टर में आए एंड फार्मा कंपनियां भी आम जनता के लिए हेल्प करें और मेडिसिन को, बट जेनरिक मेडिसिन जब होती हैं तो अपने आप ही वो कम हो जाती हैं। लेकिन मैं अपने प्रोग्राम में दूसरों को चेंज करने के बजाय मैं कहता हूँ लोगों को कि खुद को चेंज करें। जी साहब, हम कुछ ऐसा ना करें कि लोगों को डॉक्टर के पास जाने की ज़रूरत ना पड़े। डॉक्टर साहब, सुरेश साहब, बुरा मत मानिएगा, तो जाने की ज़रूरत ही ना पड़े। मैं दिनचर्या में थोड़ी सी भी चीज़ें करें, जैसे मैंने पानी पीने की बात कही, वैसे ही मैं बोलता हूँ कि हमारे शरीर में जो सबसे अच्छी चीज़ है जो हमें जीवंत रखती है उसका नाम है एनर्जी। तो ये एनर्जी कहाँ से आता है? पंचभूतम की एनर्जी है, ये अग्नि है, ये वायु है, ये गगन है, ये पृथ्वी है और ये जल है। अगर हम इसको यूज करके अगर 5 मिनट हमने क्लैपिंग भी कर लिया ना तो लॉट ऑफ एनर्जी आएगा, क्योंकि अग्नि की एनर्जी, वायु की एनर्जी, गगन की एनर्जी, पृथ्वी की एनर्जी, सारी चीज़ें आएंगी। और मैं लोगों से ये रिक्वेस्ट करूँगा आज के दिन में इंटरनेशनल हेल्थ दिवस के उपलक्ष में, यहाँ पे मैं आपके चैनल के थ्रू बोलूँगा कि अगर आप अपने ज़िंदगी में खुद को अगर सिर्फ 10 मिनट दिन का देते हो, 10 मिनट दिन का देते हो ना, तो आपको डॉक्टर्स के पास, हॉस्पिटल के पास जाने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इस बात को मैं मानता हूँ। तो बस यही चीज़ कीजिए, दिनचर्या कीजिए, आप कम से कम 5000 स्टेप चलिए, 5000 स्टेप चलिए। ये कुछ चीज़ें जो टिप्स देख रहा हूँ उनको दिनचर्या में डाल के देखिए, आप बहुत हेल्दी होंगे, हेल्दी माइंड से होंगे, और जब आप एनर्जेटिक होंगे तो रिलेशनशिप भी आप एनर्जेटिक से मेंटेन कर सकते हैं। जी तो विजय सर, तो मैं तो लोगों को ये रखूँगा कि डॉक्टर को बदलने के बजाय, कंपनी को बदलने के बजाय खुद को बदलिए, वो ज़्यादा अच्छा रहेगा, आप हेल्दी रहेंगे बाय ऑल मीन्स। प्रोफेसर व्यास, ये ज्ञान तो आयुर्वेद में सबसे ज़्यादा दिया जाता है, आप क्या टिप देना चाहते हैं, किस तरह की टिप्स देना चाहते हैं कि भाई खुद ही बदल जाए तो बेहतर है? हाँ, बिल्कुल, मैं यही कहना चाहूँगा, जैसे अभी योगाचार्य जी ने कहा कि हम 10 मिनट भी प्रतिदिन अपने लिए निकाल लें तो हम स्वस्थ रह सकते हैं। जी सर, मैंने अभी व्यक्ति जो है अपने लिए, अपने स्वास्थ्य के लिए समय नहीं निकालता है। जी सर, और आयुर्वेद में ऐसे कई नियम बता रखे, अगर हम कोरोना काल में भी देखें तो आयुर्वेद का एक मुख्य नियम है आहार, निद्रा और व्यायाम। राइट, आप देखिए कोरोना काल में हर व्यक्ति को चिकित्सक यही कहता हुआ मिला, आप ताज़ा भोजन करिए, समय पर भोजन करिए, समय पर सोइए, समय पर उठिए और व्यायाम करिए। इन 3 नियमों का पालन करने से हम कोरोना जैसी महामारी में भी अपने आप को स्वस्थ रख सकते हैं, अपनी इम्यूनिटी को बढ़ा सकते हैं। तो अगर नित्य प्रतिदिन अगर हम इन नियमों का पालन करेंगे तो निश्चित रूप से स्वस्थ रहेंगे। तो आयुर्वेद सबसे पहले सभी के लिए कहता है कि रात्रौ जागरणम रुक्षम, माने रात को ज़्यादा देर तक आप मत जगिए, समय पर 10 बजे 10:30 बजे सोने का प्रयास कीजिए। सुबह समय पर उठिए, अगर आप सूर्योदय से पहले उठते हैं तो कई प्रकार की कफ के द्वारा होने वाली व्याधियां उनसे बच सकते हैं। जी। एक भोजन करने का समय निर्धारित कर लीजिए कि न आहार वेला अतिक्रमणीय, भोजन समय पर करिए, क्योंकि हमारा शरीर में पाचन का जो समय है वो एक कहीं ना कहीं सर्कैडियन रिदम जो है वो उस प्रकार से काम करता है। तो हम आयुर्वेद के नियमों का पालन करें, व्यायाम आदि का ध्यान रखें। तो केवल एक और आहार के विषय में आयुर्वेद ने कहा है, शक्यते अपि अन्न मात्रेण नरक कर्तुम निरामया, सिर्फ आहार के नियमों का अगर हम पालन कर लें तो अपने आप को पूर्ण स्वस्थ रख सकते हैं। तो आयुर्वेद में से कई नियम हैं जिनसे हम स्वस्थ समाज का, स्वस्थ राष्ट्र का, स्वस्थ परिवार का निर्माण कर सकते। चलिए इस पर चर्चा जारी रखेंगे कि कैसे स्वस्थ रहें, पकते छोटे से ब्रेक का, ब्रेक पर जाएं, इससे पहले बात हमारे आज के सवाल की। हमारा आज का सवाल है कि क्या स्वस्थ रहना आज सबसे बड़ी चुनौती बन गई है? आप अपनी राय हमें ट्विटर पर हाँ या ना में दे सकते हैं। हमारा ट्विटर हैंडल है @newsindia247। इसका नतीजा हम आपको शो के आखिर में दिखाएंगे। बहुत छोटा सा ब्रेक लेते हैं, बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है, हम सबसे जुड़ा हुआ, हमारी ज़िंदगी से जुड़ा हुआ, तो
जाहिर है कि आपको कहीं नहीं जाना, हम तुरंत लौट कर आते हैं। ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर स्वागत है। हम चर्चा कर रहे हैं विश्व स्वास्थ्य दिवस पर कि कैसे स्वस्थ रहें, खुश रहें, मस्त रहें, स्वस्थ रहें और मस्त रहें। हमारे साथ डॉक्टर सुरेश कुमार साहब जुड़े हुए हैं, LNGP के डायरेक्टर, प्रोफेसर महेश व्यास साहब हैं, AIIMS आयुर्वेद के डीन साहब, और मोटिवेशनल स्पीकर PS राठौड़ साहब हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राठौड़ साहब, सब लोग बात करते हैं कि स्वस्थ रहें, मस्त रहें, लेकिन दोनों ही चीज़ बहुत मुश्किल हो गई आज की तारीख में। सर विजय सर, देखिए सर, ये प्रायोरिटी वाली बात है। जब आपके जीवन में एक प्रायोरिटी होता है कि मुझे क्या चाहिए, उसके लिए टाइम भी निकालते हैं जी। और मैं हमेशा अपने संस्कृतियों को, अपने नियम को और दादा दादी की कहानियों को अपने प्रोग्राम में भी लेता हूँ। मैं फिर से एक टिप्स देना चाहूँगा कि देखो सर, अगर आप सचमुच में हेल्दी रहना चाहते हो, मैं फिर से एक मेरा और टिप्स देख लीजिएगा कि सप्ताह में कम से कम दो दिन फास्ट रख लीजिए। यानी कि आप लिक्विड फास्ट रखने का मतलब ये नहीं कि आप बहुत खा रहे हैं, आप तली हुई चीज़ें खा रहे हैं, फास्ट का अलग अलग फूड आ गया है। कोई जोक में बोलता है बस अब फास्ट का चिकन आना बाकी है। नो, हमारी दादी कहती थी कि जब आप फास्ट करते हो तो मुंह कितनी बार जूठा करते हो वो भी काउंट करो। विजय सर, इस बात को आप मानेंगे जी? तो आप 2 से 3 दिन फास्ट रखो और देखो आप कितना हेल्दी फील कर रहे हो, कितना एनर्जेटिक फील कर रहे हो। और सबसे बड़ी चीज़, अपने इमोशन पे कंट्रोल रखना आप सीख रहे हो। आज जो लोग हेल्दी नहीं है तो कंट्रोल नहीं है, कंट्रोल नहीं है तो एंजाइटी है, एंजाइटी है तो रिलेशनशिप अच्छे नहीं है। बढ़िया से बढ़िया संतुलित व्यक्ति का भी संतुलन हिल जाएगा जब सामने वाला व्यक्ति असंतुलित हो। परिवार में सामंजस्य बनाना है तो सभी को हेल्दी होना जरूरी है। इस बात को रखिएगा दिमाग में। 3 दिन फास्ट कीजिए। मैं सोमवार को फास्ट रखता हूँ, और सोमवार को फास्ट रखने का सबसे बड़ा फायदा होता है कि संडे को मुझे पता है मैं क्या खा रहा हूँ, एंड ट्यूजडे को मैं क्या खा रहा हूँ, ये सारी चीज़ें पता होता है। 3 डेज पे कंट्रोल होता है। तो टू हैव अ हेल्दी लाइफ, मैं सिंपल रिक्वेस्ट करूँगा कि आप सप्ताह में कम से कम 2 दिन या 3 दिन फास्ट रखिए। रात का डिनर कर लीजिए और उसमें भी अवॉइड कीजिए कि सॉल्ट ना हो। डॉक्टर साहब लोग बताएंगे कि जब सॉल्ट लेते हैं तो वाटर रिटेंशन होता है बॉडी में, फैट बढ़ाता है। अगर आप फैट को भी रिड्यूस करना चाहते हैं तो फास्ट रखिए, हेल्दी खाइए, हेल्दी बनिए। पहला सुख निरोगी काया, यही हमारा स्लोगन है सर। जी डॉक्टर सुरेश कुमार साहब, हेल्थ में जब आयुर्वेद और हमारे एलोपैथी की बात करते हैं तो सबसे बड़ी बात जो आती है कि एक तो एलोपैथी के लिए लोग समझते हैं कि आप पूरी जांच करके टेस्ट करवा के करते हैं तो उससे ज़्यादा भरोसा बढ़ता है। दूसरी बात जो है, एलोपैथी के डॉक्टर साहब सुरेश कुमार जी हैं ना, वो दवा दे देंगे, इंजेक्शन दे देंगे, सब कुछ दे देंगे, लेकिन ये नहीं कहेंगे भैया कि ये खाना बंद कर दो, ये ना करो। आमतौर पर प्रोफेसर महेश व्यास जी के पास चले जाओ तो पहले वो पूछेंगे क्या क्या खाया, अब इसमें से ये बंद करिए, दही बंद कीजिए, नींबू बंद कीजिए, अचार बंद कीजिए। तो इससे बढ़िया डॉक्टर साहब सुरेश कुमार जी के पास ही चले जाओ। ये फ़र्क क्या है? बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा आपने उठाया, और होलिस्टिक हेल्थ बहुत इम्पोर्टेंट है। हम डाइट पर इतना ध्यान नहीं देते हैं। जब भी आप एलोपैथी के डॉक्टर के पास जाते हैं तो उसके पास टाइम ही नहीं होता, वो हिस्ट्री नहीं लेता, वो 4-5 दवाइयों का प्रिस्क्रिप्शन देगा कि चाहिए दवाइयाँ खाइए, पर वो ये नहीं बताते हैं कि डाइट में क्या खाना है। तो कैलोरीज का जो इंटेक है, क्योंकि हमारा जो नेशन है बहुत तेजी से इकोनॉमिकली बहुत तेजी से प्रगति कर रहा है और हम बहुत बड़ी इकोनॉमी बनने जा रहे हैं, तो लोगों का जो कैलोरी कंजप्शन है वो बहुत ज्यादा हो गया है। आप स्कूल के बच्चों में देखो तो 10-15% बच्चे जो स्कूल गोइंग चिल्ड्रन है वो ओवरवेट हो रहे हैं जी। आप देखिए कि हर दूसरा या तीसरा व्यक्ति डायबिटीज हो रहा है ज्यादा खाने की वजह से। तो ज्यादातर जो बीमारी है, जो इसको हम नॉन कम्युनिकेबल डिजीज कहते हैं, उसमें हार्ट की बीमारियां हैं, डायबिटीज है, कैंसर है, काफी सारी जो प्रॉब्लम्स है वो खाने की वजह से हो रही है। तो ये बहुत अच्छा एक अप्रोच है, होलिस्टिक अप्रोच होना चाहिए, जिसमें कि एलोपैथी का भी रोल है, होम्योपैथी, आयुर्वेदा, और हमारा जो संस्कृति और सभ्यता रहा है कि हम फैट वाली चीज या जो मांस या ऐसी चीजें जिसमें सैचुरेटेड फैट्स ज्यादा होते हैं उनको अवॉइड करें और रेगुलर हम व्यायाम करें, और इसमें बहुत इंपॉर्टेंट रोल है डाइट का जी। सो डाइट पे यदि हमारा कंट्रोल है और हम एक्सरसाइज करते हैं तो काफी सारी जो प्रॉब्लम है, 40-50% जो प्रॉब्लम है हमारी फिजिकल इनएक्टिविटी की वजह से है, जो भी कॉर्नरी हमारा जो लाइफ स्टाइल है वो ठीक नहीं। जी बिल्कुल आपने ठीक बात कही है, और होलिस्टिक अप्रोच की बात की। हमारे साथ मानसी गुलाटी जी भी जुड़ गई, योगा इंस्ट्रक्टर हैं।
काश उनको देखकर ऐसा लगता है सबका चेहरा सबका स्वास्थ्य ऐसा हो, हम ये चाहते हैं। मानसी जी, बात हुई होलिस्टिक अप्रोच की, योगा जो है एक होलिस्टिक अप्रोच है एक्चुअली हेल्थ की, लेकिन हमारे यहाँ पर जो एक परंपरा है, आपको तो बहुत लोग मिलते होंगे जो होलिस्टिक अप्रोच से योगा की बात नहीं करते, वो कहते हैं कि भाई मेरा पेट बढ़ा हुआ है, थोड़ा सा पेट का इलाज बता दीजिए, या मेरी डायबिटीज है तो इसके लिए क्या योगा हो सकता है वो बताइए, और वही योगा इंस्ट्रक्टर ज़्यादा चलता है जिसने बता दिया कि भाई इस बीमारी का ये इलाज है, ये योगा कर लो। आप कहेंगे नहीं नहीं पूरा स्वस्थ रहना है तो फिर तो कोई दूसरा ढूंढना पड़ता है ना। बिल्कुल बिल्कुल, नमस्ते। मैं सबको बोलूंगी योग बहुत जरूरी होता है, योग सिर्फ आसन नहीं है, आसनों मतलब यू नो इट इज बियॉन्ड आसन, मंत्र भी नहीं होता, मंत्र से भी ऊपर है, योग साधना है, कॉन्सेंट्रेशन है, कोई भी कर्म करे पूरा करे वही योग है जी। जैसे आज हेल्थ डे है तो मैं एक ही बात बोलूंगी, हमें हेल्थ हमारे लिए सबसे इम्पोर्टेंट है, हर आधे घंटे के बाद अगर हम आधा गिलास पानी पिए, 5 बजे के बाद अगर हम ऑयल फूड जंक फूड ना खाएं तो हम अपना ध्यान रख सकते हैं। आसन करना बहुत जरूरी है, बॉडी को डिसिप्लिन में रखना बहुत जरूरी है, रोज अगर 15-20 मिनट भी आप योग कर लेंगे तो बहुत अच्छा है। तो मैं एक बहुत सिंपल सा योग आसन बताऊंगी जो सब लोग कर सकते हैं, जिसको हम महाक्रिया बोलते हैं। खाना खाने के 10 मिनट के पहले, सारी बीमारियां हमारे पेट से मतलब खाने की वजह से ही होती है, तो प्लीज मेक श्योर आप बैलेंस डाइट लें, और साथ में एक बहुत सिंपल सी क्रिया बताऊंगी महाक्रिया। इंटरलॉक करेंगे अपने हाथ को, डीप इनहेल एक्सहेल, धीरे से अपनी बॉडी को लेके आगे आएंगे, एक्सहेल फोर्सफुली एक्सहेल करेंगे, बॉडी से सारे टॉक्सिंस को क्लियर करेंगे। तो सिंपल सा योगासन का अभ्यास करिए 15-20 मिनट और अपने आप को हमेशा स्वस्थ और निरोग रखिए। इसको दोबारा से आप बता देंगे तो हमारे दर्शकों को थोड़ा बेहतर होगा। बिल्कुल बिल्कुल, मैं एक्चुअली स्टूडियो में ही आना चाहती थी बट मैं बताऊंगी, आप सिंपली सीधे बैठ जाएंगे, योग का मतलब सीधा बैठने को ही योग बोलते हैं। आज कोई भी इंसान सीधा नहीं बैठता, तो बिल्कुल सीधा बैठना चाहिए। अब तो फितरत में सर, मैडम फितरत में ही सीधा रहना नहीं रहा, हमारी फितरत में ही अब सीधा रहना नहीं रहा है। नहीं नहीं, बहुत सिंपल है, सीधे बैठ गए उसको ही योग बोलते हैं। तो सिंपली अपने हाथों को इंटरलॉक करेंगे, इंटरलॉक करते अपनी बैलेंस, अपनी बॉडी अपनी एनर्जी को हम बैलेंस करते कंट्रोल करते हैं, और इनहेल करेंगे, डीप इनहेल एक्सहेल, बहुत धीरे से अपनी बॉडी को आगे की तरफ बेंड करके फोर्सफुल एक्सहेलेशन थ्रू आवर माउथ, forceful exhalation, scientifically we are clearing all the bad toxins from our body. तो योग करिए, बहुत जरूरी है, मसल का मूवमेंट बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ब्लड सर्कुलेशन को बढ़ाता है, ऑक्सीजन की मात्रा को बढ़ाता है, तो 15-20 मिनट अगर आप वॉक भी कर लेंगे बहुत है। जी 15-20 मिनट वॉक करने से भी फायदा होगा। डॉक्टर साहब आपसे समझना चाहता हूँ, आप अभी कह रहे थे कि व्यास साहब कि भोजन को टाइम पर रखना चाहिए, समय को, सोने को, ये सब। सर जिंदगी तो बायोमेट्रिक से जुड़ी हुई है हमारी, बायोमेट्रिक का ध्यान पहले रखना पड़ता है ऑफिस में। अब वो बायोमेट्रिक हमारी बायोलॉजी मेट्रिक से मेल नहीं खा रही, क्या करें इसके बीच में? देखिए देखिए, अगर हम हमारा सर्कैडियन रिदम जिसको हम दिनचर्या कहते हैं उस पे अगर ध्यान रखेंगे तो स्वस्थ रहेंगे जी। और अगर हम बायोमेट्रिक पे ध्यान रखेंगे तो ये वो जरूरी है ना, व्याधियां वो होना ही है जी। तो कहने का अभिप्राय कि स्वास्थ्य का भी ध्यान रखा जाए जी। और उसको अगर महत्व दे दिया तो कई जो NCDs है, नॉन कम्युनिकेबल डिसीज जितनी है जी। उन मैक्सिमम से हम बच सकते हैं, चाहे वो हृदय रोग हो, ओबेसिटी हो, अर्थराइटिस हो, लीवर डिसऑर्डर्स हो, किडनी डिसऑर्डर्स हो, तो केवल इसका ध्यान रखने मात्र से अगर हम उसको बच सकते हैं तो हमको निश्चित रूप से ध्यान रखना चाहिए। और दूसरा, आयुर्वेद में हर एक व्याधि की चिकित्सा के साथ में उसका पथ्य और अपथ्य बताया है कि हृदय रोग में कौन से आहार का सेवन करना है जी। आपको अगर अर्थराइटिस है तो किस आहार का सेवन करना है। और आजकल हम जो है ना आहार के नियमों का बिल्कुल ध्यान नहीं रखते हैं, विरुद्ध आहार का सबसे ज़्यादा सेवन करते हैं। अगर हम कहीं भोजन कर रहे हैं तो साथ में दही बल्ले भी खा रहे हैं और रसमलाई भी खा रहे हैं, तो दूध और दही ये दोनों का कॉम्बिनेशन जो है वो स्वास्थ्य के लिए बिल्कुल ठीक नहीं है। ऐसे कई कॉम्बिनेशन है जिसको हम अनहोलसम डाइट बोलते हैं, तो हम अगर उनका ध्यान रखना भी शुरू कर दें तो बहुत सारी व्याधियों से बच सकते हैं जी। व्यास साहब थोड़ा सा ये बहुत महत्वपूर्ण आपने इशू किया, इस पर चर्चा किया कि आहार को लेकर, थोड़ा सा कुछ एक छोटा सा नोट
बता सकते हैं कि आम आदमी को इस तरह से कम ये नहीं करना चाहिए? वैसे आपने ऐसी चीज का नाम ले दिया, दही बड़े और रसमलाई कौन छोड़ता है? जी जी, दूसरा एक और जैसे उष्ण और शीत, हम एकदम बिल्कुल आलू टिक्की गरम खा रहे हैं और उसी के साथ में आइसक्रीम बिल्कुल ठंडी खा रहे हैं, तो ये ऐसा कॉम्बिनेशन नहीं करें। और जैसे दूध के साथ में, दूध की बनी हुई जो चीज़ें हैं उनके साथ में गार्लिक है, उसके साथ में ऑनियन है, या फिर जो चीज़ें नींबू खट्टी चीज़ें हैं, तो इन चीज़ों को थोड़ा सा अवॉइड करें। तो आयुर्वेद में बता रखा है कि जो विरुद्ध आहार है, अष्टादश 18 प्रकार के विरुद्ध बता रखे हैं, कुछ संयोग विरुद्ध है कि इन दो चीज़ों को मिला करके एक साथ नहीं लेना है। तो इन नियमों का अगर सामान्य रूप से ध्यान रख लें तो मैं कहना चाहूँगा कि बहुत सारी बीमारियों को होने से ही हम रोक देते हैं जी। बिना हुए ही उनको हम रोक देते हैं और स्वस्थ रह सकते हैं। तो आहार के नियम जो है वो बहुत महत्वपूर्ण है। एक छोटा सा और पूछना चाहता हूँ सर आपसे कि हमारे घरों में, हिंदुस्तानी घरों में हर माँ का बेटा भूखा ही रहता है हमेशा। सही बात है। शुरू होता है पैदा होने के बाद से जो माँ की चम्मच जो है ना वो चलती रहती है, और किसी माँ का बेटा आज तक ओवरवेट हुआ ही नहीं, तो इसका कोई इलाज हो सकता है? देखिए ऐसा है कि माँ से और अधिक जो है बच्चों का ध्यान रखने वाला कोई नहीं होता है जी। तो माँ को हमेशा ये लगता ही है कि अगर वो एक चपाती बोलेगा तो माँ उसको दो चपाती खिलाती जी। है जी। तो वो उसका स्नेह है, लेकिन मेरा ये कहना है आहार की मात्रा का हमेशा ध्यान रखना चाहिए। और केवल मात्रा पूर्वक अगर हम आहार लेते हैं तो बहुत सारी चीज़ें, जैसे अभी डॉक्टर साहब ने बताया था, डायबिटीज़ है, ओवर ईटिंग के कारण होता है, एसिडिटी है, जीआई ट्रैक्ट की बहुत सारी डिजीज़ है जो मात्रा अगर अधिक हो जाती है तो उसके कारण होती है। तो माता का स्नेह भी ध्यान रखना चाहिए और आहार की मात्रा का भी ध्यान रखना चाहिए। अगर इन दोनों का संतुलन बनाए रखा तो निश्चित रूप से स्वास्थ्य बहुत अच्छा बना रहे जी। माता और मात्रा दोनों का ध्यान रख लें। डॉक्टर साहब, डॉक्टर सुरेश कुमार साहब, एक चीज़ समझना चाहता हूँ, आपने एक बहुत अच्छा शब्द काम में लिया, होलिस्टिक अप्रोच का, वही सबसे बड़ी मुश्किल काम है। एक चीज़ समझना चाहता हूँ बिना किसी ऑफेंस के, आप समझाइए मुझे कि एलोपैथी जो है हिंदुस्तान में आप सबसे ज़्यादा पॉपुलर है, बल्कि दुनिया भर में, लेकिन जैसे अभी हमारा अनुभव रहा पिछले दिनों का, कोरोना का, कोविड का जो काल रहा, उसमें सभी जो हमारे एलोपैथी के डॉक्टर्स थे उन्होंने अपनी दवा के साथ, अपना प्रेस्क्रिप्शन या जो भी वर्ल्ड हेल्थ से हमें मिला था, WHO से जो मिला था, उसके अलावा सब ने कहा कि भाई आयुर्वेद की ये चीज़ का इस्तेमाल कर लो, गिलोय का यूज करो, पानी का यूज करो, काढ़ा का यूज करो, अच्छी बात है। लेकिन इसको हम औपचारिक तौर पर क्यों नहीं होलिस्टिक अप्रोच में ले लेते कि आयुर्वेद और एलोपैथी जो है कोई दुश्मन या राइवल नहीं है, यदि दोनों मिलकर, खासतौर से हिंदुस्तान में तो ये बड़ा मौका है हमारे पास, इसको दोनों को साथ चलाकर हम नहीं कर सकते? निश्चित रूप से कर सकते हैं और हमने ऐसा किया। हमारे यहाँ पे लोकनायक में 25,000 से ज्यादा पेशेंट कोविड के ठीक होकर घर गए जी, और उसमें 25,000 में से हमने 7,000 या 8,000 पेशेंट्स को काढ़ा भी पिलाया जी। हमने आयुर्वेद, जो दिल्ली में जो नेशनल आयुर्वेदा है, उनके साथ मिलके हमने उनको काढ़ा भी दिया, हमने उनको रेमडेसिविर भी दिया, हमने उनको ऑक्सीजन भी दिया जी। और हमारे रिजल्ट वर्ल्ड क्लास थे, जो डेथ का रेट था वो सबसे कम देखने को मिला। और जिस हम ये नहीं कहते कि एलोपैथी या कोई भी सिस्टम ऑफ मेडिसिन है ये सुपीरियर है, ये इंफीरियर है, या इसमें हम उनका सबका जो बेस्ट है वो हमें लेना चाहिए, और उसे ही हम होलिस्टिक हेल्थ कहते हैं कि एवरी सिस्टम हैज इट्स ओन एडवांटेज एंड वी मस्ट यूज बेस्ट प्रैक्टिस ऑफ ऑल द सिस्टम्स। सो एक इंटीग्रेटेड अप्रोच है, और हमारे यहाँ पे अभी एलोपैथी के साथ साथ हमने आयुष का भी सेंटर खोला है, और सारे जो बड़े अस्पताल हैं उसमें ये सब कुछ बीमारी ऐसी हैं जो कि बाकी सिस्टम्स में उनका बेहतर इलाज है जी। जो भी क्रोनिक डिजीज है उसमें जो एलोपैथी में है सिर्फ उसका सिम्टोमेटिक सप्रेसिव ट्रीटमेंट है, जबकि आप दूसरे सिस्टम में जाएंगे तो उनका एक लॉन्ग टर्म मैनेजमेंट है, जैसे कि आर्थराइटिस है, उसका बहुत अच्छा इलाज तो हमारा हेल्थ का बजट तो मेरे ख्याल से 70-80% एलोपैथी पे ही खर्च होता है। देखिए एलोपैथी में मेजोरिटी ऑफ द बजट एलोपैथी में है, पर क्योंकि अब ये सिस्टम अभी तेजी से आगे बढ़ रहा है, और आप देखिए कि बाकी कंट्रीज भी जो हमारे इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन है उसको तेजी से फॉलो कर रहे हैं। आप अमेरिका की बात करेंगे तो वहां पर भी जो हमारा इंडियन सिस्टम है वो तेजी से ग्रो कर रहा है, यूरोप में बहुत तेजी से ग्रो कर रहा है, तो सारे जो सिस्टम है
वो एक एक साथ आके एक ही छत के नीचे, एक ही रूप के नीचे आके सारे अपना जो बेस्ट प्रैक्टिस है उनको अडॉप्ट करें। और हमारा ध्येय ये है कि हमारा जो समर्पित भाव है कि समर्पण दिवस के रूप में भी ये 7 अप्रैल मनाया जाता है, कि सारे जो लोग हैं वो हम ये चाहते हैं कि मरीजों का भला हो और बीमारी ना हो। दूसरा जो वेलनेस का जो कंसेप्ट आया है ये ज्यादा अच्छा है कि रादर देन ट्रीटिंग द डिजीज पर्सन यू शुड प्रिवेंट द डिजीज, सो प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। सो ये जो एस्पेक्ट अभी आ रहा है इंटीग्रेटेड हेल्थ में, होलिस्टिक हेल्थ में, ये बहुत महत्वपूर्ण है कि हम बीमारी को उत्पन्न ही ना होने दें जी, बीमारी का हम पहले से ही बचाव करें। जैसे काफी सारे लंग कैंसर जो हैं वो स्मोकिंग की वजह से हो रहे हैं जी। मानसी जी जो डॉक्टर साहब जी लोग वजह से काफी लोग जी, मानसी जी डॉक्टर साहब ने जो जिक्र किया प्रिवेंटिव मेजर्स की बात की, तो योगा उसमें बहुत महत्वपूर्ण है और एक समर्पण का भाव भी योगा में माना जाता है। और प्रिवेंटिव मेजर्स में तो सबसे ज्यादा जरूरी योगा हो सकता है। बिल्कुल, दुनिया भर में अब योग का इस्तेमाल हो रहा है, अब हम विश्व योग दिवस भी मना रहे हैं, लेकिन बहुत सारे लोग अब भी योग को धर्म के साथ जोड़ते हैं, धर्म मतलब रिलीजन के साथ जोड़ते हैं। आप ऐसा समझते हैं? मैं एक बात बोलूंगी, मुझे ना आई एम रियली सॉरी, मैं तो थोड़ी आवाज कम आ रही है, बट कोई बात नहीं जी। ऑफ कोर्स लाइक डाइट को बैलेंस रखना बहुत जरूरी है, योग करना भी बहुत जरूरी है। साथ में बहुत सिंपल चीज मैं आपको बोलना चाहूंगी, सारी मोस्टली बीमारियां स्ट्रेस की वजह से होती है, तनाव की वजह से होती है जी। तो तनाव को भी कंट्रोल करने के लिए, मेंटली फिजिकली स्पिरिचुअली कनेक्ट रहने के लिए योग बहुत इंपॉर्टेंट है। तो महाक्रिया को मैंने आपको बताया, साथ में एक आसन मैं जरूर बताऊंगी जो सब लोग कर सकते हैं और उसको करने से आप तनाव से भी मुक्त हो सकते हैं। क्योंकि डायबिटीज भी क्यों होता है, जब आपका पैनक्रीज स्टॉप प्रोड्यूसिंग इंसुलिन, एंड मेजर रीजन फॉर द डायबिटीज स्ट्रेस की वजह से, तनाव की वजह से। तो एक सिंपल सा आसन मैं बताऊंगी तनाव को कंट्रोल करने के लिए, फेशियल मसल को स्क्वीज करेंगे जी एंड रिलीज। तो जब आप इस आसन को कर रहे हैं, अपने सारे मसल्स को, 57 मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं, ये भी ब्लड सर्कुलेशन को बढ़ाता है, आपको तनाव से दूर रखता है। तो बिल्कुल योग बहुत जरूरी है, मैंने तो बहुत सिंपली आपको बोला, 15-20 मिनट भी योग कर लेंगे, वॉकिंग कर लेंगे, अपने आप को स्वस्थ रखेंगे, निरोग रखेंगे, और डाइट को भी बैलेंस रखना बहुत जरूरी है। एक चीज मैं और बताना चाहूंगी, बिकॉज डाइट की बात करते हैं, मैं देखती हूँ लोग फॉलो नहीं करते। तो एक बहुत मानसी जी, अब एक गुलाब जामुन के साथ एक रसमलाई खा ली और दो दही बड़े खा लिए, अब क्या हुआ? नहीं, आप रसमलाई भी खाइए, दही बल्ले भी खाइए, लेकिन एक बहुत सिंपल चीज बोलूंगी, तेज पत्ता होता है बेली, आप उसको रात को सोक करके अगर वो पानी 14 दिन के लिए पिएंगे, 14 डेज के लिए अगर आप इसको फॉलो करेंगे, अपनी बॉडी को डिटॉक्स करिए, बहुत जरूरी होता है। तो सब खाइए, खाने में मैं नहीं बोलती कि ये मत खाइए, सब खाइए, लेकिन थोड़ा अफकोर्स मॉडरेट वे में रखना चाहिए। और तेज पत्ता, अगर तेज पत्ते के पानी को, बहुत रिच होता है एंटीऑक्सीडेंट में, आपकी बॉडी को डिटॉक्स कर देता है। ग्रीन टी बहुत अच्छा होता है, वेट लॉस के लिए भी अच्छा होता है, एंटीऑक्सीडेंट होता है, तो ग्रीन टी भी पीजिए। खाना खाइए, स्वस्थ रहिए, एक्सरसाइज करिए, खुश रहिए जी। राठौड़ साहब, अभी मानसी जी ने कहा कि स्ट्रेस जो है सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, और ज्यादातर लोग मोटिवेशनल स्पीकर्स के पास या तो योगा के लिए जाते हैं या फिर मोटिवेशनल स्पीकर के पास जाते हैं स्ट्रेस कम करने के लिए। लेकिन मैं जितना मोटिवेशनल स्पीकर्स को देखता हूँ, राठौड़ साहब को देखूँ या किसी और लोगों को, उनको देखने के बाद स्ट्रेस ही होता है। वो कहता है अरे जुनून से काम कीजिए, समर्पण से काम कीजिए, पूरी एनर्जी, ये सारा ही चीज़ें तो स्ट्रेस देती हैं। तो आप स्ट्रेस दूर कर रहे हैं, स्ट्रेस बढ़ा रहे हैं हमारा? विजय जी, एक छोटी सी बात, जब हेल्थ की बात होती है तो फिजिकल हेल्थ के साथ फाइनेंशियल हेल्थ की भी बात हम लोग करते हैं जी। और एक बात विजय जी आप जरूर मानेंगे, डॉक्टर साहब लोग भी, सारे लोग हैं, सभी मानेंगे, मानसी मैम भी मानेंगी कि पैसे के काम तो पैसे से ही होता है साहब जी। और जिस दिन घर में पैसे ना होना तो स्ट्रेस का रियल डेफिनेशन पता चलता है जी। और पैसा मांगने वाले का फोन जब आता है ना, तो फोन उठाने के पहले ही स्ट्रेस का क्या लेवल होता है वही समझेंगे जिनको स्ट्रेस है जी। एनीवे, जो कपार्ट आई एम सेइंग दैट, पहला सुख निरोगी काया, अगर शरीर स्वस्थ है तो स्ट्रेस को आप बियर कर सकते हैं। और यहाँ फिर से मैं सुझाव देना चाहूँगा कि स्ट्रेस से बाहर निकलना है तो सबसे पहले रात को नींद आनी चाहिए, और रात को नींद आने के लिए
दादी करती थी हमने किया है, घुटने से नीचे अपने पांव को पानी से धोइए और एड़ी को एक पत्थर से रगड़िए, बेड पे जाने के बाद लेफ्ट करवट आधा घंटा तक सोइए, तब वहाँ पे देखेंगे ईड़ा पिघला सुषमना अपना काम करेगा, आप बहुत हेल्दी रहेंगे, नींद अच्छी आएगी, सुबह स्ट्रेस कम होगा, फिर जीवनचर्या में निकलेंगे, और जीवनचर्या में तो चलता ही रहता है। एंड लास्ट वर्ड विजय जी, में तो ओटीटी की एक सीरीज का एक एपिसोड देखना पड़ता सर। अच्छा सर, देखिए एक और भी मैं बात आपसे बोलना चाहूँगा, शेयर करना चाहूँगा कि स्ट्रेस ना मेरे को कई बार लगता है सुख रोग है। आप गांव में चले जाइए, आप वहां देखेंगे किसी को कोई स्ट्रेस नहीं है साहब, आप गांव में चले जाइए, इतने हेल्दी हैं कि बेटी का बच्चा माँ के बच्चे से एक साल पुराना ओल्ड मिल जाएगा, कोई स्ट्रेस नहीं है, डिजीज फ्री लाइफ है। चूंकि मैं तो ट्रैवल बहुत करता हूँ अक्रॉस द वर्ल्ड, और मैं देखता हूँ कि स्ट्रेस जो है वो सुख रोग है, मेंटल हेल्थ भी, मैं किसी को क्रिटिसाइज नहीं कर रहा हूँ, गाँव में आप देखिए ना साहब, उनको मेंटल हेल्थ क्या होता है पता ही नहीं ना, पता ही नहीं होता है। सो इज ऑल स्टेट ऑफ ए माइंड, हाउ यू मेक योर लाइफ एंड योर डेली रूटीन क्या है, और इस तरह से चलता रहता है, चलता रहता है, जीवन निकल जाता है। प्रोफेसर व्यास साहब, एक फाइनल कमेंट और फाइनल टिप्स यदि आप दे दें तो बेहतर रहेगा हम सब लोगों के लिए, कुछ हम भी सीखें। बिल्कुल, मैं यही कहना चाहूंगा कि एक तो शरीर को कहना चाहिए कि पंचकर्म आदि से शोधन करवाते रहना चाहिए। परफेक्ट। आयुर्वेद में जो पंचकर्म बता रखा है, और ये स्वस्थ व्यक्ति के लिए है, अगर हम समय समय पर पंचकर्म कराते हैं निश्चित रूप से स्वस्थ रहेंगे। आहार का ध्यान रखें, व्यायाम आदि का ध्यान रखें, चिंता से दूर रहें, क्योंकि चिंता चिता समाप्रोक्ता, तो व्यक्ति चिंता से रहित रहे। और कई बार ये कह रहता है घर में जो बड़े लोग रहते हैं उनका अगर सहयोग मिल जाता है तो व्यक्ति कई बार जो है बिल्कुल चिंता रहित रहता है। तो हम आहार विहार का ध्यान रखें और अपने शरीर को स्वस्थ रखने के लिए जितना प्रयास कर सकें प्रकृति के निकट रहें, प्रकृति के नियमों का पालन करें और स्वस्थ रहें। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर व्यास आपका, मानसी जी और राठौड़ साहब और डॉक्टर सुरेश। एक लाइन बोलना चाहूँगा सर जी, लाइन ये है कि अगर सचमुच में स्वस्थ रखना चाहते हैं तो नौजवानों से मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि वो अपने बच्चों को उनके दादा दादी से अलग ना रहें, क्योंकि स्वास्थ्य का सबसे बड़ा पाठ वही सिखाते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आप सब लोगों का कि आपने ज्ञानवर्धन किया। हमारी जो कोशिश है कि सब लोग स्वस्थ रहें और मस्त रहें। आज हमने शो की शुरुआत में आपसे एक सवाल पूछा था कि क्या स्वस्थ रहना आज सबसे बड़ी चुनौती है। इस पर 69% लोगों ने हाँ के पक्ष में अपना वोट किया। समझ सकते हैं कि कितनी चिंता है लोगों को, 31% लोग को नहीं है, लेकिन फिर भी 69% लोग कहते हैं। आपने हमारे विद्वानों की बात सुनी और अब छोटी सी बात मेरी भी। कहते हैं पहला सुख निरोगी काया, दूजा सुख घर में माया, यानी इंसान के जीवन का सबसे बड़ा सुख उसकी अच्छी सेहत को माना गया। उसके बाद जीवन का दूसरा सुख उसके पास भरपूर मात्रा में धन का होना माना गया, जैसा राठौड़ साहब कह रहे थे। मगर होता यह कि आजकल लोग जीवन भर पैसों के पीछे भागते रहते हैं। इसका नतीजा ये होता है कि ना समय से खाना, ना समय से सोना और ना ही समय से उठ पाना। हर किसी को जल्दी में ज्यादा कमाने की चाहत होती है। इसी चाहत में इंसान आज भागम भाग में, आज जिंदगी की इस भाग दौड़ में इंसान इतना व्यस्त बिजी हो गया है कि उसे खुद ही पता नहीं कि वो चला रहा है, इतना दौड़ रहा है, आखिर पहुंचना कहाँ चाहता। इसलिए पैसों के पीछे मत भागिए, स्वस्थ रहिए, खुश रहिए। ये प्रवचन नहीं है, बाकी आप खुद समझदार हैं। आज के कार्यक्रम में इतना ही। उम्मीद करता हूँ कि आपके लिए आने वाला कल आज से बेहतर हो। आप अपना ख्याल रखिए और उनका ख्याल रखिए जो आपका ख्याल रखते हैं। नमस्कार।